नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग सत्ताईस अक्टूबर 2022 के एडिटोरियल एनालिसिस और डेली न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है कौन कौन सी न्यूज है तो भैया केरला के गवर्नर साहब ने फाइनेंस मिनिस्टर को एग्जिट करने से कहा है और सीएम पिनराई विजय साहब ने उनकी डिमांड को रिजेक्ट कर दिया मतलब आरिफ मोहम्मद खान साहब फाइनेंस मिनिस्टर हो कह रहे निकलो मैं अपना प्लेजर विद्रॉ करता हूँ और सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर ही नहीं एजुकेशन मिनिस्टर और लेबर मिनिस्टर से भी इनका पंगा है बट एजुकेशन लेबर मिनिस्टर के लिए बोला है कि उन्होंने मुझे पर्सनल कमेंट किए इसलिए मैं छोड़ देता हूँ लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर ने तो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर अटैक कर दिया अभी क्या अटैक किया इसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे उसके आगे मानगढ़ को नेशनल मॉन्यूमेंट बनाने की डिमांड कर रहे हैं अशोक गहलोत साहब मानगढ़ धाम में पीएम मोदी जी जाने वाले उससे पहले गहलोत साहब ने डिमांड रख दी तो इसको देखेंगे जीएम मस्टर्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड के कॉमर्शियल कल्टीवेशन के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी से अप्रूवल आ गया है इस न्यूज को देखेंगे नाविक को बूस्ट करने के लिए इसरो कुछ नए सैटेलाइट्स लॉन्च करेगा इस न्यूज को समझने की कोशिश करेंगे प्री हिस्टोरिक एक मणिपुर केव है वहां पर टूरिज्म के लिए बैट्स को एवेक्ट किया गया बैट्स जो कि नेचुरली उस केव के अंदर रहा करते थे उनको इंटेंशनली मार दिया गया उस केव को साफ करने के लिए ताकि टूरिस्ट वहां पर सेफली जा पाए तो ये इन्वायमेंटली थोड़ा सुसाइडल लग रहा है तो इसके बारे में बात करेंगे तो इतने आर्टिकल तो करंट अफेयर्स में उसके आगे एडिटोरियल्स में पसमंदा मुस्लिम्स के प्रति ये जो अभी की बीजेपी सरकार का आउटरीच है इससे बहुत सारे मुस्लिम्स नर्वस हो रहे हैं इसकी बात करेंगे फिर डिसेबल्ड लोगों के लिए जो एंटरटेनमेंट कंटेंट का एक्सेस है वो कैसे बढ़ाया जा सकता है इसके बारे में बात की जाएगी आंध्र प्रदेश में फ्रीबीज़ को लेके जो बहस चल रही है कि भाई ये जो फ्रीबीज वगैरह फैलते हैं मतलब अभी अगर आप देखो तो आंध्र प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जहां पे जगन मोहन रेड्डी जी को अक्सर क्रिटिसाइज किया जाता है कि जरूर से ज्यादा ही चीज़ें फ्री में बांटने हैं तो इस कंटेक्स में ओवरऑल ये आर्टिकल है किस हद तक आंध्र प्रदेश का डेप्ट चल रहा है ओवरऑल इसकी बात करेंगे आंध्र प्रदेश ने कैसे मार्केट से पैसा उठाया और वो मार्केट से पैसा उठाना सस्टेनेबल नहीं बैठ रहा है इसके बारे में बात की गई है ये भी यहाँ पे देखेंगे उसके बाद जॉब एंड द मैन ऋषि सुनाक साहब की यहाँ पे बात की जा रही है ऋषि सुनाक साहब यहाँ पे फैन फेयर के बीच में प्रधानमंत्री बन तो गए हैं यूके के लिए लेकिन इनके लिए लीड करना इतना आसान नहीं होने वाला है ये यह यहाँ पे बताया गया और एन अनकाइंड हाइक देखिए जो स्मॉल सेविंग रेट्स होते हैं ठीक है ना उन जैसे कि स्मॉल सेविंग रेट्स एनपीएस के ऊपर जो आपको रिटर्न मिलकर जो छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर्स करते हैं सरकारी स्कीम्स में उसके ऊपर जो जो रिटर्न आता है तो स्मॉल सेविंग रेट से सरकार प्रॉपर तरीके से बढ़ा नहीं रही है सरकार यहां पे ना इंसाफी कर रही है भी किस हिसाब से ना इंसाफी कर रही है सरकार इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा एक और आर्टिकल है पॉल्यूशन को लेकर उसको यहां पे इंक्लूड नहीं किया है मैंने देखिए क्या है चेस्ट रिसर्च फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने 2016 से लेकर अब तक तो बहुत सी रिसर्च की है कि दिवाली के बाद पॉल्यूशन के लेवल्स क्या क्या होते हैं इस साल अगर आप देखोगे ना तो हमारे देश के नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट्स में नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट्स में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन मतलब पॉल्यूशन तो देखने को मिला है लेकिन पहले जिस लेवल के पॉल्यूशन देखने को मिले हैं उससे कम देखने को मिला लेकिन इस साल अगर आप देखो तो साउथ इंडिया में और वेस्ट इंडिया में पास्ट के लेवल से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन देखने को मिल रहे हैं जब यहाँ पे बम वगैरह फोड़े जाते हैं ना एक पटाखा आता है स्नेक टैबलेट ये जो स्नेक टैबलेट नाम का पटाखा है ना ये सबसे ज्यादा पॉल्यूशन करता है खासकर जो पर्टिकुलेट मैटर 2.5 का जो पॉल्यूशन है वो स्नेक टैबलेट नाम का पटाखा बहुत करता है ऐसा बताया जा रहा है कि स्नेक टैबलेट नाम का पटाखा चौसठ माइक्रोग्राम्स पर मीटर क्यूब का पॉल्यूशन करता है पीएम टू लेवल का समझिए इस बार दिल्ली में पूरी तरीके से बैन था पटाखों के ऊपर इस बार अगर कोई एक सिटी कोई एक स्टेट ने सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दी है दिवाली में पटाखे ना फोड़ के ओवरऑल कहीं ना कहीं पॉल्यूशन को कंट्रोल करने की तो वो है कलकत्ता बंगाल में क्या था कोलकाता के अंदर साइक्लोन सितरांग का अलर्ट था तो सितरांग के अलर्ट के चलते ऑब्वियस बात है कलकत्ता में बहुत सारी चीज़ों के ऊपर रोक लगा दी गई थी तो सितरांग की वजह से कलकत्ता के मेजरिंग स्टेशन में जो पीएम 2.5 पॉइंट लेवल्स हैं ना वो 50 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब क्रॉस नहीं किए और अपने आप में 24 घंटे की जो लिमिट थी दीपावली आवर्स के समय पर नेचुरली कुछ पटाखे बजने लगते हैं तो कलकत्ता में दिवाली के आवर्स के समय पर भी जो पीएम 2.5 की लिमिट थी ना वो 60 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब को क्रॉस नहीं की तो कलकत्ता की परफॉर्मेंस तो एक्स्ट्राऑर्डनरी रही है सिर्फ इसलिए नहीं कि दीपावली में पटाखे फोड़ने पर रोक लगाई गई थी साइक्लोन सित्रॉंग के चलते लोगों की मूवमेंट भी बहुत ब्लॉक थी अगर देश के दूसरे हिस्सों की बात करें तो लखनऊ और नोएडा में भी पॉल्यूशन बढ़ा बट फिर भी कंट्रोल में था अमरावती गुड़गाम में भी पॉल्यूशन बढ़ा बट फिर भी कंट्रोल में था कंट्रोल में इन द सेंस कि पिछले सालों में जो पॉल्यूशन रिपोर्ट किया गया था उसके कंपैरिजन में कम था लेकिन वहीं अगर आप आंध्र प्रदेश जो कि साउथ इंडियन में आता है उसकी कैपिटल अमरावती में पहुंच जाओगे तो 24 अक्टूबर को रात को दस बते अमरावती में जो पीएम 2.5 लेवल थे वो 793 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब पहुंच गए सोचो कलकत्ता में दिवाली के आवर के समय पे भी 60 माइक्रोग्राम क्रॉस नहीं हुआ और आंध्र प्रदेश के अमरावती में 793 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब हो गया पीएम 2.5 का लेवल ये जो बेंगलुरु का सिल्क बोर्ड स्टेशन है ना वहां पे पीएम 2.5 का लेवल 633 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब हो गया हैदराबाद में सनाथ नगर स्टेशन का जो पीएम 2.5 का लेवल है वो 731 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब हो गया चेन्नई में वेला वेलाचेरी स्टेशन का 694 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब हो गया मुंबई में भी एक स्पाइक देखने को मिली है तो क्या मतलब है मतलब ये है कि इस बार नॉर्थ और ईस्ट इंडिया में चीजें थोड़ी सॉर्ट आउट दिखी पोल्यूशन वहां पे भी बड़ा लेकिन पहले के पोल्यूशन लेवल से कम था लेकिन वेस्ट और साउथ इंडिया की बहुत सी जगहों पे पोल्यूशन लेवल्स बहुत ज्यादा देखने को मिले एक छोटा बहुत रिप्रेजेंटेटिव आइडिया पी 2.5 टू का मैंने आपको दे दिया तो बस एक आर्टिकल था अलग से तो मैंने आपको डिस्कस कर लिया बहुत ज्यादा इसमें नोट वगैरह बनाने की जरूरत नहीं आगे आ जाते हैं वर्ड ऑफ द डे पे योर गैस इज एज गुड एज माइन मतलब भैया तुम्हें जितना पता उतना मुझे ही पता है तो अगर मैं किसी चीज को गैस कर रहा हूँ जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में नॉलेज नहीं है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा तो मैं नहीं जानता अब सामने वाला मुझसे पूछ रहा है कि यार ऊपर जाएगा नीचे जाएगा मुझे इन्वेस्ट करना है तो मैं उसको क्या बोलूंगा योर गैस इज एज गुड एज माइन मतलब मुझे भी नहीं पता है तुम्हें भी नहीं पता है तो मैं जो गैस मारूंगा तुम भी उतना ही अच्छा गैस मार सकते हो मतलब आप ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि भाई मुझे इस चीज़ के बारे में एक लिमिट से ज्यादा नहीं पता मैं भी गैस मार रहा हूँ तुम भी गैस मार रहा हो मतलब हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं हमें ज्यादा नॉलेज आगे बढ़ने पहले वीडियो पर लाइक का बटन दोस्तों चैनल को अब तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ वीडियो को शेयर करिए इससे यूट्यूब के एल्गोरिदम में वीडियोस को प्रमोशन मिलता है यूट्यूब और लोगों को वीडियोस रिकमेंड करता है चलिए शुरू करते हैं जीएस पेपर टू सेंटर स्टेट रिलेशंस गवर्नर्स केरला मिनिस्टर गवर्नर ड्यूल ओवर मिनिस्टर्स टॉक देखिए इस कंटेक्ट में अगर मैं आपको बताऊं तो कल विनीत सर ने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है टसल इन केरला कैन गवर्नर डिसमिस अ स्टेट मिनिस्टर तो ये पर्टिकुलर वीडियो को जाके देख लीजिए थोड़ा डिटेल में आपको चीजें पता चल जाएगी वैसे जो टॉपिक है कि आरिफ मोहम्मद खान साहब पहले भी धमकी दे रहे थे केरला की सरकार को और मिनिस्टरों को कि अगर तुम लोगों ने उल्टी सीधी बातें की कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट करने वाली बातें की तो मैं अपने प्लेजर को विद्रॉ कर लूंगा और फाइनली केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान साहब ने लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की जो सरकार है पिनराई विजयन की इसके साथ एक फ्रंट खोल दिया यह बोल के कि जो तुम्हारा फाइनेंस मिनिस्टर है के एन बाना यह ऑफिस में कंटिन्यू नहीं कर सकता मैं इसके प्रति जो अपनी प्लेजर है इसको विड्रॉ कर रहा हूं अब चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन साहब ने तुरंत पलट के बोला कि दिस इज एन अनप्रेसिडेंटेड ग्यूबर नेटोरियल ग्यूबर नेटोरियल मतलब गवर्नर से रिलेटेड फीएट मतलब ऑर्डर और।, और हम इस ग्यूबर नेटोरियल फीएट को नहीं मान सकते रीज़न बीइंग मिनिस्टर्स को अपॉइंट करने की और ड्रॉप करने की ताकत चीफ मिनिस्टर के पास है और गवर्नर अपनी प्लेजर को विड्रॉ करके किसी पर्टिकुलर मिनिस्टर को कुर्सी से हटा दें यह नहीं हो सकता एट अच्छा अभी ऐसा हुआ क्या है मतलब फाइनेंस मिनिस्टर के गोपाल साहब ने ऐसा बोला क्या तो फाइनेंस मिनिस्टर के एन गोपाल साहब ने पलट के ये बोल दिया कि उत्तर प्रदेश जैसे स्टेटों में जो होता है वो हम यहाँ नहीं होने देंगे केरला एक ऐसा राज्य है जहाँ पे डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस के हिसाब से काम होता है उत्तर प्रदेश जैसे आज में डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस को सरकारें हटा देती होंगी बट केरला में हम नहीं हटाने देते केरला में डेमोक्रेसी के हिसाब से चीज़ें चलती है जैसे ही ये बात के एन गोपाल साहब ने बोली केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान साहब नाराज हो गए केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान साहब ने बोला है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस के ऊपर एक अटैक है ठीक है ना अपनी ओथ को के एन गोपाल ने वायलेट किया है और चूंकि अपनी ओथ को वायलेट किया है के एन बाला गोपाल साहब ने इसलिए मैं अपने प्लेजर को इनके पास से विड्रॉ कर रहा हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि चीफ मिनिस्टर साहब मतलब पिनराई विजयन साहब इस बात के ऊपर कुछ ना कुछ डिसीजन लेंगे कुछ ना कुछ सोचेंगे पिनराई विजयन साहब ने यहां पे बोला है कि भाई देखिए ये नहीं चल पाएगा आप ग्यूबरियल फियाट नहीं दे सकते कॉन्स्टिट्यूशनली आई एम द वन पर्सन हु इज एम्पावर्ड टू अपॉइंट और ड्रॉप मिनिस्टर्स तो ये यहां पे पे एक लीगल बहस छिड़ गई है ठीक है भाई इनफैक्ट आरिफ मोहम्मद खान साहब ने बोला कि इस सरकार के एजुकेशनल और लॉ मिनिस्टर्स भी उल्टे सीधे कमेंट दे चुके हैं लेकिन वो कमेंट मेरे ऊपर पर्सनल कैपेसिटी में थे इसलिए मैं उनको इग्नोर कर देता हूँ लेकिन के एन बाला गोपाल ने तो हद ही कर दी है इनका स्टेटमेंट तो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट चला जाता है अब आर्टिकल एक सौ वन की बात करो तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है मिनिस्टर्स शेल्ड होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ़ द गवर्नर बट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के हिसाब से एक ए के अंदर चीफ मिनिस्टर और बाकी मिनिस्टर्स का अपॉइंटमेंट भले ही गवर्नर करता है लेकिन चीफ मिनिस्टर उस इंडिविजुअल को अपॉइंट किया जा जाता है जो पॉलिटिकल पार्टी का लीडर है जो वोट जीत के आई है इलेक्शन जीत के आई है और स्टेट में जो मिनिस्टर्स अपॉइंट किए जाते हैं वो चीफ के है। के है, वो मिनिस्टर के कहने पर अपॉइंट किए जाते हैं केंद्र में जो मिनिस्टर्स अपॉइंट किए जाते हैं वो प्राइम मिनिस्टर के कहने पर अपॉइंट किए जाते हैं ये सब जानते हैं और चीफ मिनिस्टर जब चाहे तो एक नया मिनिस्टर अपॉइंट कर सकता है पूरा मिनिस्टर पुराना मिनिस्टर हटा सकता है प्राइम मिनिस्टर जब चाहे एक नया मिनिस्टर अपॉइंट कर सकता है पुराना मिनिस्टर हटा सकता है तो ऐसे केसेस में केरला के सर गवर्नर के पास टेक्निकली ये ताकत नहीं है कि वो प्लेजर को विद्रॉ करके एक मिनिस्टर को हटा दे और ये बात लोकसभा जनरल के पास ये राइट नहीं है कि वो चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर्स को अपने विल पर डिसमिस करें जब तक गवर्नर देखिए जब तक किसी एक पर्टिकुलर सरकार के पास लोगों का सपोर्ट है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में उसके पास मेजोरिटी है तो पीडीटी आचार्य अचारी साहब का ये साफ साफ बोलना है कि यह कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है विदाउट द मिनिस्टर अ गवर्नर कैन नाइदर अपॉइंट नॉट डिसमिस अ मिनिस्टर मतलब ये जो पर्टिकुलर मिनिस्टर है इसको चीफ मिनिस्टर के कहने पे अपॉइंट किया जा सकता है और चीफ मिनिस्टर के कहने पर हटाया जाएगा गवर्नर अपने मन मुताबिक कुछ भी नहीं कर सकता फिर भाई क्या है कि प्रधानमंत्री मोदी जी मानगढ़ धाम में आने वाले हैं मानगढ़ धाम में बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट एक नवंबर को राजस्थान की बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में मानगढ़ धाम की विजिट करने वाले हैं मोदी जी अब मोदी जी के आने से पहले राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत साहब ने ये डिमांड की है कि आप ये जो मेमोरियल है ट्राइबल्स के लिए मानगढ़ धाम इसको डेजिग्नेट करिए मोन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस बेसिकली ये जो पर्टिकुलर मानगढ़ धाम है इसको जाना जाता था फॉर द मैसेक्रे ऑफ ट्राइबल्स बाय द ब्रिटिश आर्मी इन 1930 1913 में ट्राइबल्स का एक बड़ा मैसेक्रे हुआ था ब्रिटिश इंडियन आर्मी के द्वारा तो ओवरऑल मोदी जी जब बांसवाड़ा में जाएंगे मानगढ़ धाम में तो वो एक पब्लिक मीटिंग को वहां पर एड्रेस करेंगे जो मानगढ़ धाम है ये एक पिलग्रिमेज साइट है ट्राइबल्स के लिए राजस्थान गुजरात बॉर्डर के पास है तो ओवरऑल पिलग्रिम्स यहाँ पे विजिट करने के लिए आते हैं तो मोदी जी भी यहाँ पे विजिट करने के लिए आ रहे हैं देखिए राजस्थान में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन होने वाले हैं 2023 में और ट्राइबल पॉपुलेशन एक बड़ी साइजेबल क्वांटिटी में प्रेजिडेंट है राजस्थान के अंदर तो ट्राइबल का सपोर्ट होने से ऑब्वियस ही बात है बीजेपी पार्टी को एक पुश मिल सकता है पॉलिटिकल तो मोस्ट प्रॉब्ली इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ पे आ रहे हैं तो अशोक गहलोत साहब यहाँ पे एक अलग स्टेटमेंट दे रहे हैं कि ठीक है भाई आप आ रहे हो तो आओ लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अगर हो सके तो मानगढ़ धाम को मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस डेजिग्नेट करो समझ गए अब मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस अगर केंद्र की सरकार इसको डेजिग्नेट करती है तो उसका क्रेडिट किसको जाएगा राजस्थान की सरकार को या केंद्र की सरकार को गार्नर करने के लिए की जा रही है अब जब मोदी जी यहाँ पे आएंगे मानगढ़ धाम में तो ऐसा बताया जा रहा है कि राजस्थान के साथ साथ गुजरात और मध्य प्रदेश से भी आए हुए बहुत सारे लोग हजारों की तादाद में इस मीटिंग को अटेंड करेंगे अब ऐसा हुआ क्या था इस जगह पे तो 17 नवंबर 1913 को 1500 भील ट्राइबल्स और फॉरेस्ट डोइलर्स को मानगढ़ में मार दिया गया था ब्रिटिश इंडियन आर्मी के द्वारा जब ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने ओपनली यहाँ पे ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी थी क्यों क्योंकि बहुत सारे ट्राइबल्स यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे बॉन्डेड लेबर सिस्टम और हेवी एग्रीकल्चरल टैक्सेस के अगेंस्ट बहुत सारे टैक्सेस लगा दिए गए थे पिछली स्टेट्स के द्वारा बॉन्डेड लेबर का सिस्टम चलता था तो इसके अगेंस्ट एक एजिटेशन हुआ था और इस एजिटेशन को शांत करने के लिए ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने यहां पे आंख बंद करके ताबड़तोड़ गोलियां चला दी थी उसके चलते बहुत से लोगों की जान चली गई थी इसी को याद करने के लिए ओवरऑल ये बांसफड़ डिस्ट्रिक्ट में मानगढ़ धाम बनाया गया मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस की बात करें तो आर्कोलॉजिकल साइट्स और रिमेन्स एक्ट 1952 एक आंशियन मॉन्यूमेंट की डेफिनेशन क्या देता है एंशियन मॉन्यूमेंट मीस एनी स्ट्रक्चर इरेक्शन और मॉन्यूमेंट और एनी ट्यूमिलस और प्लेस ऑफ इंटरमेंट और एनी केव रॉक स्कल्चर स्क्रिप्शन और मोनोलिथ विच इज ऑफ हिस्टोरिकल आर्कोलॉजिक और आर्टिस्टिक इंटरेस्ट एंड विच बीन इन एग्जिस्टेंस फॉर नॉट लेस देन हंड्रेड ईयर्स मतलब एक ऐसा मॉन्यूमेंट जिसके साथ एक बड़ी हिस्ट्री जुड़ी हुई हो एक ऐसा स्ट्रक्चर एक ऐसा इरेक्शन एक ऐसी रॉक स्कल्पचर केव कुछ भी कह लीजिए जिसकी हिस्ट्री में इंपॉर्टेंस रही हो जो कि हिस्ट्री का रिप्रेजेंटेटिव रहा हो कम से कम सौ साल से यहाँ पे हो कुछ ना कुछ उसमें अलग हो आर्टिस्टिक इंटरेस्ट का तो इसको आप बोलोगे एनशुट मॉन्यूमेंट एंशियंट मॉन्यूमेंट फॉर मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस की कुछ परिभाषाएं दी गई हैं आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से चाहिएगा तो इनको पढ़ लीजिएगा उतना इंपॉर्टेंट है नहीं काम की चीज़ें मैंने आपको बता दी नेक्स्ट जीएस पेपर थ्री एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक जेनेटिक इंजीनियरिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी ने कॉमर्शियल कल्टिवेशन ऑफ जी मस्टर्ड को यहाँ पर अप्रूवल दे दिया देखिए क्या है ये जी काम करती है यूनियन इन्वॉर्मेंट मिनिस्ट्री के अंदर और इसने रिसेंटली जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड को अप्रूवल दिया है एक्चुअली क्या है दो वेरायटीज है जेनेटिकली इंजीनियर मस्टर्ड की इनके इन्वायमेंटल रिलीज की परमिशन दे दी है यहाँ पे जी ने और ऐसा नहीं है कि इस प्रकार की परमिशन जी के द्वारा पहली बार दी गई है 2017 में भी जी ने ओवरऑल ये परमिशन दी थी लेकिन इन्वायमेंट मिनिस्ट्री ने इसको वीटो कर दिया था मतलब कमेटी ने जी ने 2017 में भी परमिशन दी थी बट इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने इसको रिलीज करने से मना कर दिया था और इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने जी से बोला कि और स्टडीज़ कंडक्ट करो जी ने और स्टडीज़ यहाँ पे कंडक्ट की हैं और फाइनली फिर से अप्रूवल दे दिया है किसको इन दो वैरायटीज़ ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड मस्टर्ड को अब फिर से इन जी मस्टर्ड को अगर इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री की तरफ से अप्रूवल मिल जाता है तो इनको ग्राउंड लेवल पर रिलीज़ किया जाएगा अब रिलीज़ किस लिए किया जाएगा देखिए ऐसा नहीं है कि जी के द्वारा इन जीएम सीड्स को इस जीएम मस्टर्ड की वराइटीज़ को अप्रूवल दिया गया तो मतलब अब ये सीधे खेतों में पहुंच के इनकी खेती शुरू हो जाएगी नहीं अभी भी कई सालों तक इनके ऊपर रिसर्च होगी कई सालों तक इन जीएम मस्टर्ड की जो वेराइटीज़ हैं इनकी पेरेंटल लाइंस डेवलप की जाएंगी इनके नए हाइब्रिड्स डेवलप किए जाएंगे उन हाइब्रिड्स के ऊपर रिसर्च की जाएगी कि कितने हर्बिसाइड टॉलरेंट है कितने डिजीज़ प्रोन है और ये सब कुछ होगा अंडर द सुपरविजन ऑफ इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च समय समय पे जो भी टेस्ट वगैरह कंडक्ट किए जाएंगे इनकी रिपोर्ट को इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च में सबमिट किया जाएगा यहां पे जो मस्टर्ड हाइब्रिड है धारा मस्टर्ड हाइब्रिड डी एम एच एलेवन इसका इन्वामेंटल रिलीज किया जा रहा है एज पर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च गाइडलाइंस देखिए क्या है कॉमर्शियल रिलीज होने से पहले जो भी रिसर्च वगैरह होगी उस रिसर्च के रिजल्ट्स को इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च के सामने सबमिट किया जाएगा इसके साथ साथ मैं आपको और बता दूं ये पर्टिकुलर जो नई वेराइटीज़ है मस्टर्ड की ये कुल मिला के किस हद तक हरबी साइड को रिएक्ट करती हैं किस फॉर्मुलेशन का हरबी साइड इनके ऊपर अप्लाई किया जाएगा किस कंडीशन में अप्लाई किया जाएगा इसकी भी थीसिस होगी और इस थीसिस में सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड और रजिस्ट्रेशन कमेटी के लोग पार्टिसिपेट करेंगे और फाइनली कॉमर्शियल लॉन्च होने से पहले ये भी इसको अप्रूवल देंगे फिर ये जो हाइब्रिड्स नई डेवलप की जाएंगी अभी की अप्रूव्ड वेराइटीज की इनकी पेरेंटल लाइंस और इनके सैंपल्स को इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च के अंदर ये जो नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज है यहां पर सबमिट किया जाएगा ये भी इसके ऊपर तीसिस करेंगे और इसका अप्रूवल देंगे मतलब जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी ने इसको अप्रूव किया फिर इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री अप्रूव करेगी फिर सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड और रजिस्ट्रेशन कमेटी भी इसको प्रोड्यूस करेंगे नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स इसको प्रोड्यूस करेगा इसकी बहुत सारी पेरेंटल और हाइब्रिड लाइन्स को इन्वेंट किया जाएगा बहुत लंबे समय तक ओवरऑल आप कह सकते हो कि इसकी टेस्टिंग वगैरह चलेगी और ये सारे के सारे प्रोसेस जब पॉजिटिवली ग्राउंड लेवल पे रिजल्ट दिखाते हैं तब जाके कॉमर्शियल कल्टीवेशन में इस जीएम मस्टर्ड को उतारा जाएगा अभी के लिए तो जी ए सी द्वारा जो अप्रूवल दिया गया है ना ये चार साल के लिए दिया गया है जिसको दो साल के लिए चार साल के एंड पे एक्सटेंड किया जा सकता है समझ गए भाई तो ये चीजें हैं देखिए जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड क्रॉप इंडिया के अंदर एक भी अभी तक अप्रूव नहीं माना गया अगर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मान लो कोई फेमस जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड क्रॉप तो है तो वह है गोल्डन राइस गोल्डन राइस में क्या हुआ है कि दूसरे प्लांट्स के जीन्स को इंसर्ट किया गया डेफोडिल्स और मेज़ के जीन्स को इंसर्ट किया गया ओके okay, एक सॉयल बैक्टीरियम को इंसर्ट किया गया है जो कि गोल्डन राइस के अंदर विटामिन ए की क्वांटिटी बढ़ाता है कैनेडा और यूएसए जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड क्रॉप्स को यूज़ करते हैं गोल्डन राइस को यूज़ करते हैं इंडिया के अंदर कोई भी जीएम फूड क्रॉप इंट्रोड्यूस नहीं किया गया एक जीएम क्रॉप बी कॉटन को इंडिया के अंदर जरूर अप्रूव किया गया लेकिन बी कॉटन इज नॉट अ फूड क्रॉप ये कॉटन की एक वराइटी है कोई भी जैसे बीटी ब्रिंजल आए थे बीटी ब्रिंजल भी कॉमर्शियल कल्टिवेशन के लिए अप्रूव नहीं हुए मतलब कोई भी फूड क्रॉप जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड हो इसको इंडिया में एथिकल मॉरल और इन्वायमेंटल कंसर्न्स की वजह से उतारा ही नहीं गया पॉलिटिशियंस की हिम्मत ही नहीं पड़ी चूंकि उसके बाद क्या बवाल होगा हम कह नहीं सकते तो बहुत दिन बाद ये जीएम मस्टर्ड को अप्रूव तो कर दिया है जीएसी ने ग्राउंड लेवल में बहुत सारी स्टडीज चलेंगी कॉमर्शियल कल्टीवेशन के लिए लार्ज स्केल पे अप्रूवल अभी भी बाकी है बहुत सारी थीसिस के बाद ही हो सकता है अब वो होगा नहीं होगा वो बाद में पता चलेगा जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी की बात करी तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर काम करता है 1989 के नियम कानूनों के हिसाब से इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्रेजल ऑफ एक्टिविटीज इवाल्विंग लार्ज स्केल यूज ऑफ हजार माइक्रो ऑर्गनिजम्स एंड रिकॉम्बिनेट इन रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मतलब एज आर्डस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और रिकॉम्बिनेंट का इस्तेमाल करके रिसर्च और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन करना इन्वायमेंटल एंगल से ये काम है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी का जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी को लीड करता है स्पेशल सेक्रेटरी या एडिशनल सेक्रेटरी इन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरस्ट एंड क्लाइमेट चेंज और बेसिकली इसको को चेयर किया जाता है फ्राम अ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेनोलॉजी ठीक है भाई अगले पे आ जाते हैं इसरो टू तो बूस्ट नाविक वाइडन यूजर बेस ऑफ लोकेशन सिस्टम जीएस पेपर थी स्पेस साइंस एंड टेक में न्यूज आपको काम आएगी देखिए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एक सीरीज ऑफ इंप्रूवमेंट्स के ऊपर काम कर रहा है टू द नाविक नाविक क्या है इट इज इंडिया इक्विवेलेंट टू द ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम ओके भाई तो जिस प्रकार से जीपीएस है यूएसए का उस प्रकार से इंडिया का नाविक है ठीक है ना भाई लेकिन अब तक आपने इस बात को ध्यान दिया होगा कि हम लोग अभी भी अपने फोन में जीपीएस सिग्नल्स को इस्तेमाल करते हैं गूगल मैप जीपीएस सिग्नल से चलता है नाविक अभी तक हम इस्तेमाल नहीं कर पाए नाविक की अगर आप बात करो नेविगेशन विद इंडियन इंडियनेशन इसको आप आई आर एन एस एस भी बोलते हो इंडियन रीजनल नेविगेशन सेटेलाइट सिस्टम भी बोलते हो सात सेटेलाइट अमेरिकन जीपीएस की तरह है यूरोपियन गैलीलियो की तरह है रशियन ग्लोनास की तरह है। इसका जो पहला सेटेलाइट था 2013 में लॉन्च हुआ था और जो लेटेस्ट सेटेलाइट है वो 2018 में लॉन्च हुआ ठीक है भाई अब इस आईआरएनएसएस में कुछ एडिशन की बात हो रही देखिए बात ये है कि पूरे इंडियन लैंड को इंडियन लैंड मार्क्स को कवर करता है ये नाविक ठीक है भाई और इंडियन लैंड मार्क्स के बाहर का जो तो पंद्रह किलोमीटर का रेडियस है इसको भी कवर करता है कौन नाविक ठीक है भाई प्रॉब्लम यह है कि हम इसके सिग्नल्स को अपने फ़ोन में इस्तेमाल नहीं कर पाते चूंकि अभी भी फोन मैन्युफैक्चरर्स ने नाविक के सिग्नल को इस्तेमाल करने की कैपेबिलिटी फ़ोन में इंट्रोड्यूस नहीं की है भारत सरकार अलग अलग फोन मैन्युफैक्चरर्स को पुश कर रही है कि नाविक कम्पेटिबिलिटी अपने स्मार्टफोन में लेके आई है लेकिन ये मैनुफेक्चरर्स बोल रहे हैं कि सर दो तक तो लाना इसको मुश्किल होगा रीज़न ये है कि नाविक में अभी एल बैंड को इंक्लूड इंट्रोड्यूस नहीं किया गया नाविक चल रहा है एल बैंड पे और एस बैंड पे और L5 और S बैंड को अभी तक फोन में यूज़ करने की कैपेबिलिटी हमारे पास नहीं आई है समझ गए जीपीएस चलता है L1 पे लेकिन नाविक चलता है L5 और S पे और L5 S को 2025 तक ही इंट्रोड्यूस कर पाएंगे फोन मैन्युफैक्चरर इसलिए इसरो का प्लान है कि काम करते हैं नाविक में ही एल बैंड यूज कर देते हैं तो अगर नाविक में ही एल बैंड इसरो इंट्रोड्यूस कर देता है तो सीधे सीधे फिर इसको हम अपने फोनों में इस्तेमाल कर पाएंगे एक और इशू है नाविक के सिग्नल्स को अगर आप इस्तेमाल करते हो तो सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक परपजेस के लिए भी इस्तेमाल करना है अब दो प्रकार के सेटेलाइट सिग्नल्स होते हैं एक तो लॉन्ग कोड होता है एक शॉर्ट कोड होता है अभी के लिए नाविक शॉर्ट कोड इस्तेमाल करता है लेकिन अगर आपको स्ट्रेटेजिक और सेफ कम्युनिकेशन करना है तो लॉन्ग कोड के थ्रू ओवरऑल यहाँ पे सैटेलाइट कम्युनिकेशन होना चाहिए ये सब बातें भी यहाँ पे बताई जाए चूंकि अगर लॉन्ग कोड के थ्रू स्ट्रेटेज ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन होगा तो जो ओवरऑल कम्युनिकेशन है वो सेफ होगा सिक्योरिटाइज होगा ठीक है भाई अभी पाँच और सेटेलाइट जल्दी ही लॉन्च की जाएंगी पुरानी नेविक सैटेलाइट्स को रिप्लेस करने के लिए आगे आने वाले कुछ महीनों में ठीक है भाई देखा जाए तो अभी के लिए जो नाविक की सेटेलाइट्स से, है इनको प्लेस किया गया है जियो स्टेशनरी और जियो सिंकोनस ऑर्बिट में जो कि अर्थ की सरफेस के छत्तीस किलोमीटर दूर है अगर ट्रूली हमें नाविक को ग्लोबल बनाना है या फिर हमारे वो जो वेसल्स है देखिए हमारे बहुत सारे शिप्स और एयरप्लेन्स केवल इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में घूमते हैं तो इंडियन शिप्स और एयरप्लेन्स को ट्रैक करने के लिए अगर हमें अपने नाविक सिस्टम को ट्रूली ग्लोबल बनाना है तो ये जो जियो सिंकोनस ऑर्बिट में हमने सैटेलाइट्स प्लेस किए हैं ये तो है ही इसके साथ साथ हमें मीडियम और लो अर्थ ऑर्बिट में भी सेटेलाइट प्लेस करने होंगे मीडियम अर्थ ऑर्बिट आता है दो से ढाई किलोमीटर अबव अर्थ सर्फिस और दो किलोमीटर से लेकर आठ किलोमीटर तक में लो अर्थ ऑर्बिट आता है तो इस लो अर्थ ऑर्बिट और मीडियम अर्थ ऑर्बिट में भी हमको बहुत से सैटेलाइट्स प्लेस करने पड़ेंगे अगर ट्रूली हम नाविक को एक जीपीएस जैसे सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहते हैं फिर अगली न्यूज़ जीएस पेपर 3 बायोडायवर्सिटी प्रीहिस्टोरिक मणिपुर केव से टूरिज्म के लिए बैट्स को इ्विक्ट कर दिया गया एक देखिए समझिए एक केव सिस्टम है मणिपुर का जो पैलियोलिथिक एरा का है अब यहां पे कॉलोनी ऑफ बैट्स इस कॉलोनी ऑफ बैट्स को इविक्ट किया गया एक्चुअली में बहुत सारे बैट को यहाँ पे मार दिया गया क्यों इस पर्टिकुलर केव को टूरिस्ट फ्रेंडली बनाने के लिए खांकु नाम की जो जगह खानकु मांगसोर बोलते हैं ये बेसिकली खांग मांगसोर एक नेचुरल लाइमस्टोन स्टोन केव है पंद्रह किलोमीटर दूर है उखरुल से उखरुल डिस्ट्रिक्ट में अब ओवरऑल मणिपुर के आर्कोलॉजिस्ट का यह बोलना है कि जो पर्टिकुलर आप कह लो खुई मांगसोर केव है ये स्टोन एज कम्युनिटी की केव मतलब स्टोन एज के समय पे जो लोग रहा करते थे वो इस खांकु वांगसूर में रहा करते थे इनफैक्ट जब जापान ने इंडिया के ऊपर अटैक किया था तो उस समय पे बहुत सारे लोग वर्ल्ड वॉर टू के समय पे इस पर्टिकुलर केव में जाके छुप गए थे ये केव कंजर्वेशनिस्ट और इन्वामेंटलिस्ट को बहुत अपील करती चूंकि इस केव के अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बैट्स की पाई गई थी कौन सी फैमिली के बैट्स की राइनो फोलिडे को और हिपोसिडेरी फैमिली तो इन दो फैमिलीज के बैट्स भी इस केव में पाए गए इनफैक्ट 2016-17 के लगभग एक रिपोर्ट निकल के आई स्टडी निकल के आई स्टडी का नाम था जनरल फॉर थ्री टेंट टैक्सा तो जनरल फॉर थ्री टेंड टैक्सा के अंदर एक स्टडी पब्लिश हुई और इस स्टडी ने यह बोला कि जो खानकुई मांगसोर केव है यहाँ पे जबरदस्ती बैट्स को इवेक्ट किया गया है मारा गया है ताकि इस केव के अंदर बैट्स ना रहे हैं। बैट्स नहीं रहेंगे नहीं तो ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ आ सकते हैं अभी टूरिस्ट वैसे आएंगे बैट्स आएंगे तो बैट्स उड़ते उड़ते कहीं टूरिस्ट से लड़ रहे हैं तो एक्चुअली में टूरिस्ट को घूमने मजा नहीं आता तो क्या है बैटों को हटा दो तो टूरिस्ट इस केव में घूमने के लिए ले आएंगे लेकिन अपने आप में ये इन्वामेंटल एक्सटर्मिनेशन की बात हो रही है उत्तम सहकैया और ए बी मितई नाम के रिसर्चर्स हैं जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रिसर्च सेंटर शिलोंग के इन्होंने ये भी 2019 और 2021 में रिसर्च की थी इस खामक मंगसूर केव में और ये बताया था कि ब्लाइथ हॉर्शू बैट की अच्छी खासी क्वांटिटी इन केव्स में पाई जाती है ठीक है मणिपुर की मेमेलियन फोना में ये जो पर्टिकुलर ब्लाइथ हॉर्सू बैट थे ये वन ऑफ द एडिशंस थे और भी बहुत से बैट्स पाए जाते हैं मणिपुर के अंदर लेकिन अगर आप सरकारी अफसर से पूछोगे तो जो डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर है इस इलाके के शानगाम शालीवो इन्होंने बोला है कि भाई हमारे पास ऐसा कोई भी रिकॉर्ड नहीं है जहां पे हमने प्लांट एक्सटर्मिनेशन किया हो मतलब इंटेंशनली इन बैट्स को मारा गया हो ऐसा कोई भी इवेंट हमारे ऑफिस में रिपोर्ट नहीं हुआ है हम ऐसी कोई चीज होने भी नहीं देंगे ठीक है तो इन्वास में छप रहा है कि इस पर्टिकुलर मांगसोर केव में बैट्स को इंटेंशनली मारा जा रहा है टूरिज्म को बढ़ाने के लिए एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जो लोकल डिविजनल ऑफिसर है वो बोल रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है इनफैक्ट तांखुल कम्युनिटी की बात करो तो तांगफुल कम्युनिटी ओवरऑल अगर आप देखो तो माना जाता है कि बहुत सारे बैट्स को मार के खाया भी जाता है इस पर्टिकुलर कम्युनिटी में बैट्स की मेडिसिनल प्रॉपर्टी के चलते जी हाँ प्लस बहुत सारे रोडेंट्स स्कूल पॉर्क्यूपाइन रैट्स को भी मार के यहां पे ओवरऑल खाया जाता है कंज्यूम किया जाता है मेडिसिनल प्रॉपर्टी वैसे कंजम्पशन के लिए जैसे अगर आप देखो तो एशियाटिक बुश टेल्ड पॉर्क्यूपाइन और हिमालयन क्रस्टलेस पॉर्क्यूपाइन ये हाईली प्रोटेक्टेड एशियाटिक है बट इन इलाके में इन स्पेशीज़ को मार के कंज्यूम किया जाता है बैट्स को मार के कंज्यूम किया जाता है ड्यू टू देयर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज और सम अदर प्रॉपर्टीज लोकली उनके कल्चर में चलता है तो मतलब बैट्स को मार के खाने वाला काम चाइना में नहीं इंडिया में भी होता है तो ये ओवरऑल हमने एक न्यूज़ देखी ये तांगखुल मांगसोर ये पर्टिकुलर सॉरी खानकुई मांगसोर खांकुई मांगसोर याद रखिएगा और खांगुई मांगसोर के आसपास के इलाका तांगुल कम्युनिटी रहती है तांगोल कम्युनिटी ओवरऑल कहीं ना कहीं इन बैट्स का कंजम्पशन करती है और उसके साथ साथ एशियान और हिमालय का भी करती है।, भाई, में आ जाते हैं, पहला आर्टिकल से है उतना काम का है नहीं। दूसरा आर्टिकल है कि भाई बीजेपी की जो आउटरीच तो देखेंगे अब भाई पॉपोलिटिकल आउटरीच टू पसमंदा मुस्लिम्स देखिए क्या है कि रिसेंटली प्रधानमंत्री मोदी जी ने बीजेपी पार्टी के जितने भी वर्कर्स हैं उनसे ये बोला है कि आप आउटरीच बढ़ाइए पसमंदा मुस्लिम्स की तरफ स्पेशली इन उत्तर प्रदेश और उनके प्रति स्नेह दिखाइए अफेक्शन प्यार दिखाइए और सम्मान दिखाइए रिस्पेक्ट दिखाइए अब ओवरऑल जब ये पर्टिकुलर स्टांस लिया भारतीय जनता पार्टी ने तो बाकी जो मुस्लिम लीडर्स हैं वो थोड़े मतलब टेंशन में आ गए कि यार ये क्या हो रहा है ये तो बीजेपी की टैक्टिक्स है मुस्लिम्स की सोशल यूनिटी को तोड़ने की और बीजेपी अपना वोट बेस बढ़ाने की कोशिश कर रही है अब बीजेपी यहां पे अगर इंडिया की लार्जेस्ट माइनॉरिटी के प्रति एक आउटरीच दिखाने की कोशिश करती है खासकर तब जब बीजेपी पार्टी को बहुत हद तक प्रो हिंदू और एंटी मुस्लिम समझा जाता है तो इसमें कुछ बुरा नहीं है यही इंडिया की खूबसूरती है कि भाई यहां पे ओवरऑल चाहे आप मेजॉरिटी कम्युनिटी के हो चाहे माइनॉरिटी कम्युनिटी के हो हर पॉलिटिकल पार्टी आपके प्रति एक आउटरीच रखने की कोशिश कर चूंकि आपका वोट भी उतना ही काउंट करता है तो मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर इतनी टेंशन क्यों है कुछ लोगों को अगर बीजेपी पार्टी पसमंदा मुस्लिम्स को स्नेह देना चाहती है एफेक्शन देना चाहती है और उनको अपनी तरफ खींचना चाहती है इसकी वजह यह है कि मुस्लिम धर्म के अंदर भी कुछ हद तक कास्ट सिस्टम है वैसे ट्रेडिशनली देखा जाए तो दोस्तों मुस्लिम्स के अंदर कास्ट सिस्टम नहीं होता है बट क्या है ना कि दुनिया में बाकी जगहों पे जो मुस्लिम्स हैं उनका जो रहने का तरीका है कल्चर और इंडिया में जो मुस्लिम्स हैं उनका जो रहने का तरीका कल्चर है वो आइडेंटिकल नहीं है चेंजेस हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप टर्की में चले जाओ अफ्रीका की कंट्रीज में चले जाओ तो वहां पे जो मुस्लिम्स पाए जाते हो सकता है उनके अंदर कास्ट सिस्टम ना हो बट इंडिया के मुस्लिम्स के अंदर कास्ट सिस्टम आता है क्योंकि कहीं ना कहीं हिंदू कल्चर उनको इन्फ्लुएंस करता है हिंदू धर्म से वो मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हुए तो कहीं ना कहीं हिंदू धर्म की प्रैक्टिसेस को भी उन्होंने अडॉप्ट किया और कास्ट सिस्टम वॉज वर्थ सिट प्रैक्टिस अब इंडिया के अंदर अगर आप मुस्लिम्स का सेग्रीगेशन करते हैं कास्ट के आधार पर तो एक तो पाए जाते हैं अशरफ जिनको बोला जाता है एलीट क्लास उसके बाद आते हैं अजलाफ जिनको बोला जाता है बैकवर्ड क्लासेस और एक आते हैं अर्जल जो कि होते हैं मुस्लिम्स के अंदर मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस अब जो एलीट क्लास है यहां पे अशरफ दे कॉन्स्टिट्यूट अप्रोक्सीमेटली फिफ्टीन टू ट्वेंटी मुस्लिम पॉपुलेशन ऑफ इंडिया और जो बाकी दो क्लासेस हैं अजलाफ और अर्जल ये दोनों मिल बनाते हैं पसमंदा तो बेसिकली पसमंदा मुस्लिम्स आर एट्टी टू 85 परसेंट ऑफ़ द टोटल मुस्लिम्स फाउंड इन इंडिया और इसके अंदर अलग अलग कैटेगरी के, के लोग आते हैं जैसे मुस्लिम्स में आपको जो बार्बर्स वीवर्स पॉटर्स फकीर्स बीड़ी वर्कर्स ये मिलेंगे ना ये बेसिकली पसमंदा मुस्लिम्स के उसमें आते हैं क्लास में आते हैं ये प्रडामिनेटली ज़्यादातर लो वेज वर्कर्स हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं वर्क कंडीशन उनकी इतनी अच्छी है नहीं मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर जो बैकवर्ड और सब्जुगेटेड क्लासेस उसको ये बिलोंग करते मतलब मुस्लिम्स के अंदर भी कुछ इस प्रकार का फिनोमिना देखने को मिल रहा है कि जो एलिट क्लासेस हैं उन्होंने सारे रिसोर्सेज को अपने पास कंसोलिडेट कर लिया है और जो ओवरऑल आप कह लो सब्जुगेटेड क्लासेज है जिनको यहाँ पे पसमंदा मुस्लिम्स बोला जा रहा है ये ओवरऑल थोड़ा पीछे छूट गए तो मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर भी कुछ लोग ऊपर आ गए हैं अशरफ और बाकी लोग बैकवर्ड रह रहे हैं। तो ये जो बाकी लोग थोड़ा बैकवर्ड रह गए इकोनॉमिकली पॉलिटिकली ठीक है ना इनको यहां पे डायरेक्टली अपील कर रही है बीजेपी पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी जो इस बात को लेके जो ट्रेडिशनल लीडर्स हैं मुस्लिम कम्युनिटी के अशरफ कम्युनिटी के वो थोड़ा यहां पे टेंशन में आ गए ठीक है ना उनका अब ये कहना है कि भाई जो बीजेपी पार्टी है ये मुस्लिम धर्म को अंदर से तोड़ने की कोशिश कर रही है ठीक है अब देखिए अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से इस पर्टिकुलर न्यूज को देखेंगे अब जो लोग प्रो बीजेपी हैं वो बोलेंगे कि हां भाई ये बहुत अच्छा स्टैंड है जो एंटी बीजेपी है वो बोलेंगे कि अब तो बीजेपी हिंदू धर्म के अलावा मुस्लिम धर्म के अंदर भी सेग्रीगेशन लानी पड़ी तो इस प्रकार की जो पॉलिटिकल न्यूजेस होती है ना वो अलग अलग व्यूअर्स को उनकी आइडियोलॉजी के हिसाब से अफेक्ट करती है अब अगर आप अपने अंदर कोई एक प्री कंसीव्ड आइडियोलॉजी लेके चलते हो किसी एक पर्टिकुलर पार्टी की तरफ तो किसी भी पॉलिटिकल न्यूज को आप उस आइडियोलॉजी के चश्मे से देखोगे जबकि एक्चुअली में आपका ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि एक न्यूट्रल ब्यूरोक्रेट की तरह आप अपने थॉट प्रोसेस को इवॉल्व करो अब इस कंटेक्स में देखा जाए तो दिसंबर 2020 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सेंटेनरी सेलिब्रेशन के समय पे मुस्लिम कम्युनिटी को एड्रेस करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने एम्पावरमेंट की बात की थी मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर वुमेन एजुकेशन इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस एंटरप्रेन्योरशिप और एम्प्लॉयमेंट इनकी बात की थी सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास के अंदर रिलीजियस डायवर्सिटी की बात की तो उसी रिलीजियस डायवर्सिटी के प्रति जब बीजेपी सरकार ने ओवरऑल पसमंदा मुस्लिम्स को अपील दी है तो कहीं ना कहीं कुछ क्वार्टर्स की तरफ से ये रिस्पॉन्स आ रहा है कि मुस्लिम कम्युनिटी को अंदर से तोड़ने की कोशिश की जा रही है तो अब ये है ये पर्टिकुलर आर्टिकल अब ये सही है गलत है किस प्रकार से रिस्पॉन्ड करेगा मुस्लिम कम्युनिटी किस प्रकार से यहां पे बीजेपी पार्टी को अपनाएगी बीजेपी पार्टी किस प्रकार से मुस्लिम कम्युनिटी के लिए यहां पे अलग अलग स्कीमें वगैरह लेके आएगी तो भाई देखिए आगे आने वाले समय में ही पता चल पाएगा अगली न्यूज राहुल बजाज साहब ने लिख रखी है अटोर्नी है इराला को फाउंडर ऑफ मिशन एक्सेसिबिलिटी के इंप्रूविंग एक्सेस टू एंटरटेनमेंट कंटेंट डिसेबल्ड सिटीजन के पास एंटरटेनमेंट कंटेंट का एक्सेस है कि नहीं है तो यहां पे ऑथर साहब ये बोल रहे हैं कि भाई देखिए मैं खुद डिसेबल्ड हूं ठीक है ना और मैं क्रिकेट का फैन हूं और मुझे 83 मूवी देखनी थी लेकिन मुझे बाद में पता चला कि 83 मूवी के अंदर कोई ऑडियो डिस्क्रिप्शन नहीं है इसलिए एट्टी थ्री मूवी देख नहीं पाए क्योंकि ये पर्टिकुलर मूवी इनके डिसेबल्ड होने की वजह से इनके लिए इनएक्सिबल होगी खास बात यह है कि इंडिया में बहुत से सिटीजन हैं जो कि डिसेबल्ड हैं वो विजुअली डिसेबल्ड हो सकते हैं ब्लाइंड हो सकते हैं ऑडियो डिसेबल्ड हो सकते हैं किसी और प्रकार की डिसेबिलिटी हो सकती है खासकर जो सेंसरी डिसेबिलिटी होती है ना आप सुन नहीं पा रहे हो आप देख नहीं पा रहे हो तो जब इंटरटेन जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी को पैर में प्रॉब्लम है तो वो डिसेबल्ड है बट टी देख सकता है उसका विजुअल सिस्टम उसका हियरिंग सिस्टम ये सब सही तरीके से काम कर रहा है बट एंटरटेनमेंट कंटेंट उन लोगों के लिए एक्सेसिबल नहीं हो पाता जो कि ब्लाइंड है या फिर जो कह लो पार्शली डेफ है तो ऐसे कंटेक्स्ट में एंटरटेनमेंट कंटेंट को डिसेबल्ड फ्रेंडली बनाना ये बहुत ज़्यादा जरूरी है और डिसेबल्ड फ्रेंडली बनाने के यहाँ पे दो तरीके हैं एक तो ऑडियो डिस्क्रिप्शन और एक है सब ऑडियो डिस्क्रिप्शन में क्या होता है अगर मान लो कोई विजुअली डिसेबल्ड हो तो उसको ऑडियो डिस्क्रिप्शन दो मतलब ओवरऑल अच्छा यहाँ पे ट्रेडिशनल सब की बात नहीं हो रही मैं आपको समझा देता हूँ जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई पर्टिकुलर मूवी चल रही है 83 अब नॉर्मली कर जो लकी है जिसके पास उसके मतलब आइज वगैरह सब सही तरीके से काम कर रही है वो ठीक तरीके से पिक्चर को देख पाएगा एंजॉय कर पाएगा लेकिन जिसका स की प्रॉब्लम है वो ठीक तरीके से उस मूवी को एंजॉय नहीं कर पाएगा तो उसके लिए सुविधा रखी जाती है ऑडियो डिस्क्रिप्शन की ऑडियो डिस्क्रिप्शन में क्या होता है कि ओवरऑल जो पिक्चर का कैरेक्टर बोल रहा है उसको डिस्क्राइब करके यहाँ पे विजुअली इंपेयर पर्सन को बताया जाएगा कि हाँ भाई स्क्रीन पे कितने लोग हैं वो क्या बोल रहे हैं किस कंटेक्स में बोल रहे हैं तो इससे ज्यादा अच्छी तरीके से एक ब्लाइंड व्यूअर उस पर्टिकुलर कंटेंट के साथ एंगेज कर पाए सॉरी दोस्तों ये बैक एंड से कुछ कंस्ट्रक्शन की आवाज़ आ रही तो थोड़ा हो सकता है डिस्टर्बेंस आरोप कानू एंग कुछ ना कुछ होता ही रहता है मुंबई में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन चलता ही रहता है सॉरी फॉर देट तो एक हो गई ऑडियो डिस्क्रिप्शन की जो भी स्क्रीन पे चल रहा है उस चलने वाली चीज को ऑडियो में डिस्क्राइब करके बताया जा रहा है इंडिविजुअल को जो देख नहीं पा रहा है दूसरा होता है सब टाइटलिंग सब टाइटलिंग में क्या होता है कभी कभी इंडिविजुअल चीज़ों को देख पा रहा है बट वहां पे बोला क्या जा रहा है वो सुन नहीं पा रहा तो उससे क्या होता है सब टाइटल आते हैं तो सब टाइटल में ऑडिटरी कंपोनेंट्स होते हैं टेक्चुअल फॉर्म में कभी कभी वो सब टाइटल्स अवेलेबल करवाए जाएंगे इन आप कह लो डेफ़ लोगों के लिए या फिर उन लोगों के लिए जो डेफ और ब्लाइंड दोनों हैं ताकि वो एक्चुअली में समझ पाए कि ऑडियो के थ्रू पोर्ट्रे करने की क्या कोशिश की जा रही है समझ गए तो बेसिकली एंटरटेनमेंट कंटेंट को डेफ और ब्लाइंड लोगों के लिए एक्सेसिबल करवाना अपने आप में बड़ा चैलेंज है अब यहाँ पे बात की जा रही है राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट

फिर सेक्शन 42 क्लॉज 2 क्या बोलता है राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट का कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मेजर्स लेगी ताकि विद डिसेबिलिटी जिनके पास एक्सेस हो इलेक्ट्रॉनिक मीडियो का उनको ऑडियो डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड किया जाए साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन प्रोवाइड किया जाए क्लोज कैप्शनिंग प्रोवाइड की जाए वगैरह वगैरह अभी अक्टूबर 2019 में भी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन को एक लेटर लिखा और जितने भी सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन से एसोसिएटेड मेंबर्स हैं जो पिक्चर वगैरह वा बनाने वाले डायरेक्टर्स हैं प्रोड्यूसर हैं उनको ये बोला गया कि जब भी आप मूवी को प्रोड्यूस करते हो उसमें ऑडियो डिस्क्रिप्शन और सब जरूर डालिए और दोस्तों बहुत सारी पिक्चरों में इन चीजों को डाला भी गया जैसे संजू मूवी बनी थी अंधाधुंध मूवी बनी थी रोमियो अकबर वॉल्टर बनी थी ब्लैक मूवी बनी थी इन सब में ऑडियो डिस्क्रिप्शन सब को डाला गया लेकिन फिर भी बहुत सारे प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स ऑडियो डिस्क्रिप्शन और सब को इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं उसकी जो सबसे बड़ी वजह बताई गई है वो ये बताई गई है कि किसी भी फिल्म को बेसिकली कॉमर्शियल परपज से बनाया जाता है कॉमर्शियल परपज मतलब कि आपने फिल्म को बना के जब रिलीज किया तो वो कितना पैसा कमाएगी अब ओवरऑल जो डिसेबल्ड क्लास ऑफ पर्सन है ना उनको कॉमर्शियली उतना वायबल या कैपेबल समझा नहीं जाता है एक बड़ी क्वांटिटी में डिसेबल्ड क्लास के पर्सन आके फिल्म को देख के उसको इंस्टेंट हिट बना दे इसके चांसेस थोड़े कम होते हैं जो फिल्म प्रोड्यूसर्स है ना वो ऑडियो डिस्क्रिप्शन और सब सीरियसली लेते नहीं है उनके लिए ऑडियो डिस्क्रिप्शन और सब प्रोवाइड करना उतना जरूरी नहीं लगता है क्योंकि वो फिल्म को एक इंटेंट से देखते हैं समझ गए ना मॉरल और लीगल एंगल बाद में आता है मॉरल और लीगल एंगल बहुत जरूरी हो जाता है देखिए कि कि किसी भी पर्टिकुलर फिल्म को डिसेबल्ड फ्रेंडली कंटेंट में लेके आना ये मॉरली लीगली तो जरूरी है बट जो सबसे इंपॉर्टेंट आप कह लो कंसेप्ट होता है फिल्म को रिलीज करने का वो कॉमर्शियल कंटेप्ट होता है तो डिसेबल्ड फ्रेंडली बनाने की बहुत ज्यादा वजह होती नहीं है यहां पे प्रोडक्शन हाउसेस के पास इसीलिए प्रोडक्शन हाउसेस यहां पे ओवरऑल किसी भी पर्टिकुलर फिल्म को हमेशा ऑडियो डिस्क्रिप्शन और सबस्टाइटलिंग के साथ लाए ये जरूरी नहीं है तो कहीं ना कहीं सिविल सोसाइटी ग्रुप्स को ग्राउंड लेवल पे कोर्ट सिस्टम के थ्रू ये Ensure करना चाहिए कि जो प्रोडक्शन हाउसेस हैं जो प्रोड्यूसर्स हैं इनके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो कि मूवी हाँ रिलीज कर रहे हो तो ऑडियो डिस्क्रिप्शन और सब टाइटलिंग दूसरा प्रोडक्शन हाउसेस के पास ह्यूमन और एडिक्वेट लीन टाइम होना चाहिए लॉन्च ऑफ नए कंटेंट से पहले अब मूवी को जल्दी लॉन्च करना तो जल्दी जल्दी एडिटिंग की जा रही है उसकी लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आपको इसके लिए भी टाइम बचा के रखना है कि आप डिसेबल्ड फ्रेंडली कंटेंट भी लेके आइए ताकि हर कोई देख सके इस मूवी को

फिल्म करस और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को समझ में आएगा कि हाँ भाई डिसबल फ्रेंडली करना जरूरी है नहीं तो कल की डेट में प्रॉब्लम आ सकती है ठीक है ना इन्फॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री रिलीज करने वाली थी एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड्स फॉर टेलीविजन प्रोग्राम फॉर हियरिंग एम्पेयर लेकिन इसको भी अभी स्पीड में इंट्रोड्यूस नहीं किया गया तो कहीं ना कहीं सरकार की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि डिसेबल्ड पर्सन के लिए ओवरऑल ग्राउंड लेवल अर्जेंट बेसिस पे पॉलिसी मेकिंग में प्र्यूजल लाया जाए उसके साथ साथ ओवरऑल ये जो

वो केंद्र की सरकार के मोदी जी से मिलने के लिए दिल्ली जाते हैं और अपनी फाइनेंशियल डिमांड रखते हैं इस बार तो उन्होंने एक लाख करोड़ की फाइनेंशियल डिमांड रखी और जब जब ये दिल्ली जाते हैं वापस आते हैं तो ये अपने लोगों के लिए फ्री रिलीज करते हैं लेकिन ओवरऑल इन फ्री से इनकी सरकार को बहुत नुकसान है अगर आप देखो तो आंध्र प्रदेश की सरकार का एक क्लेम है कि नवरत लानू स्कीम के अंदर नवरत लानू स्कीम के अंदर 1.6 पॉइंट सिक्स लाख करोड़ का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया इन्होंने जैसे कुछ चला एक स्कीमें चला रखी है स्कीम की। तो अम्मा वोदी स्कीम के अंदर मदर्स अपने बच्चों को स्किलेजें वाई एस आर युथु भरोसा के अंदर तेरह हजार पांच सौ रुपए दिए जाते हैं पर एन एम तीन इंस्टॉलमेंट्स में एक फार्मर को अब ये सब कहीं ना कहीं फ्री में काउंट होता है लेकिन आंध्र प्रदेश की सरकार कह रही कि आप इसको फ्री कैसे बोल सकते हो ये तो एक सोशल इन्वेस्टमेंट है सोशल इन्वेस्टमेंट को आप नहीं बोल सकते अब अगर आप आंध्र प्रदेश का बजट देखो तो 2022-23 तक आंध्र प्रदेश का टोटल डेप्ट हो जाएगा चार लाख उनतालीस हजार तीन सौ चौरानवे करोड़ फोर लाख थर्टी नाइन थाउजेंड करोड़ का तो भाई डेप्ट है आंध्र प्रदेश का जो 2021-22 के रिवाइज एस्टिमेट थे दो हजार तक आंध्र प्रदेश का टोटल डेप्ट था तीन लाख नब्बे हजार सात सौ करोड़ रुपए और वो बढ़ के हो चुका है चार लाख उनतालीस हजार करोड़ रुपए मतलब हर साल हजारों करोड़ की तादाद में इनका डेप्ट बढ़ जाता है और डेप्ट के ऊपर इंटरेस्ट पेमेंट भी करनी है तो कुल मिला के यहां पर आंध्र प्रदेश की सरकार क्या कर रही है कि लोन उठाए जा रही है मार्केट से उठाए जा रही है खर्चा करे ही चली जा रही है इस बात को ध्यान दे बिना कि भाई पैसा आएगा कहां से उसके बाद ऑफ बजट और इंजेनियस मेथड्स को इस्तेमाल किया आंध्र प्रदेश की सरकार ने पैसा उठाने के लिए केंद्र की सरकार के नेट बोरोइंग सीलिंग को वॉलेट किया है फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बजट मैनेजमेंट नॉर्म्स को वॉलेट किया आंध्र प्रदेश ने कैसे भी करके मार्केट से पैसा उठाना है लोगों पर खर्च करना है और जब पॉलिटिकल ब्लेम गेमिंग होती है जब पूछा जाता है आंध्र प्रदेश की सरकार से पैसा कहां से ला रहे हो तो आंध्र प्रदेश की सरकार तेलुगु देशम पार्टी जो कि इससे पहले पावर में थी उसके ऊपर इल्जाम लगाने लगती है कि हाँ भाई ये पॉलिटिकल ब्लेम गेमिंग कर रहे हैं हम तो लोगों के लिए काम कर रहे हैं हमें लोगों के लिए क्यों नहीं काम करने दिया जा रहा है अगर आप रिसेंट डाटा देखोगे तो आरबीआई ने पॉइंट आउट किया है दस स्टेट्स को रेग फ्लैग किया है दस स्टेट्स को दस स्टेट्स के फाइनेंसेस ऐसे हैं जो अपने फाइनेंस को प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं कर पा रहे उसमें आंध्र प्रदेश का भी एक नाम है मतलब आंध्र प्रदेश वन ऑफ द हाइएस्ट डेप्ट बर्डन स्टेट्स में आता है 2020-21 में सबसे ज्यादा टू जीएसडीपी रेशियो आंध्र प्रदेश का था तो ये ओवरऑल मतलब जगनमोहन रेड्डी जी और उनकी सरकार वाई कांग्रेस पार्टी को क्रिटिसाइज किया जा रहा है ये पैसा खर्चे जा रहे हैं खर्चे जा रहे हैं उनको पता नहीं कि आएगा कहाँ से नेक्स्ट आ जाते हैं ऋषि सुनाक के रोल के ऊपर तो देखिए ऋषि सुनाक यहाँ पे कंजर्वेटिव पार्टी की तरफ से क्रिश्चियन डोमिनेंट पार्टी की तरफ से हिंदू प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं बट इनका जो रोल है ये आसान नहीं होने वाला है ओवरऑल ऋषि सुनाक कुछ टफ इकोनॉमिक पॉलिसीज लेंगे बनाएंगे इन टफ इकोनॉमिक पॉलिसीज के चलते इनकम टैक्स यूके के अंदर बढ़ेगा ऑलरेडी यूके के अंदर इन्फ्लेशन जाता है अगर आप इस समय पे इनकम टैक्स बढ़ाते हो इकोनॉमिक ग्रोथ थोड़ी थम सी जाएगी चीजें और महंगी हो जाएंगी और जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा चीजें महंगी होंगी तो ऋषि सुनाक के ऊपर फिर से प्रेशर आएगा तो भले ही इस समय पे ऋषि सुनाक अमित बहुत सारा फैन फेयर प्राइम मिनिस्टर जरूर बन गए हैं बट आगे आने वाले समय में एक्चुअली में इंग्लैंड की सरकार को चला पाना इनके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है एक जो आज की सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है वो है स्मॉल सेविंग्स के ऊपर देखिए क्या है रिसेंटली स्मॉल सेविंग स्कीम्स पब्लिक प्रोविडेंट फंड नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट इसमें जो आप कह लो रिटर्न मिलता है ना लोगों को इसको पॉइंट वन से पॉइंट थ्री परसेंट बढ़ा दिया है सरकार ने यस पब्लिक प्रोविडेंट फंड नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट इसमें जो लोग पैसा खर्च करते हो मेरे आपके जैसे लोग उनको सरकार की तरफ से रिटर्न मिलता है उसको आप गवर्नमेंट ईल्ड बोलते हो और ये ईल्ड बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है सरकार जो सिक्योरिटीज मार्केट में उठा के पैसा कम उठाती है मतलब सरकार ने ट्रेजरी बिल्स मार्केट में उठाए कुछ इंटरेस्ट रेट पे उससे थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है इन स्मॉल सेविंग स्कीम्स में वो थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट रेट जीरो से लेकर हंड्रेड बेसिस पॉइंट के बीच में वेरी कर सकता है एक बेसिस पॉइंट पॉइंट के बराबर होता है अब प्रॉब्लम दोस्तों यहां पे यह है कि एक्चुअली में सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि समय समय पर इन स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स का जो आप कह लो इंटरेस्ट रेट है उसको बनाते रहे बढ़ाते रहे ठीक है ना रिवाइज करते रहे लेकिन पिछले सत्ताईस महीनों से रिविजन ज्यादा देखने को मिल नहीं रहा अगर आप पीपीएफ की बात कर लो पब्लिक प्रोविडेंट फंड की बात कर लो तो अभी के लिए इसमें इंटरेस्ट रेट जो रिटर्न मिल रहा है लोगों को मिल रहा है सेवन पॉइंट वन परसेंट अगर जबकि टेक्निकली अगर फॉर्मूला बेस्ड बात की जाए तो रिटर्न मिलना चाहिए सेवन पॉइंट सेवन टू परसेंट मतलब सरकार के समय समय पे स्मॉल सेविंग स्कीम्स में इंटरेस्ट को री ना करने की वजह से रिकेलिब्रेट ना करने की वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स में इनको नुकसान हो रहा है और सरकार को तो फायदा हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं ओवरऑल ये पैसा सरकार को एक्स्ट्रा अपनी जेब से निकालना पड़ता तो सरकार को यहां पर क्रिटिसाइज किया जा रहा है ऑलरेडी इन्फ्लेशन सर चढ़ के बोल रहा है ठीक है ना इस इन्फ्लेशन के बीच में जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स जिसमें लोग इन्वेस्ट करते है, वो कही कहीं, छोटे -मोटे को थोड़ा बहुत हैं नहीं कर रही। जितना रिटर्न मिलना चाहिए उससे पॉइंट सिक्स परसेंट रिटर्न कम मिल रहा है जैसे कि पीपीएफ के अंदर रिटर्न मिल रहा है का, मिलना चाहिए का। उसकी वजह क्या है? ये है कि समय देखिएमिक का समय आया मार्च दो का उस समय पे इंटरेस्ट रेट कट तो कर दिए सरकार ने लेकिन बाद में उन इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाया नहीं समय 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 पे बहुत समय तक वो इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट रखे सरकार ने जबकि समय समय पे सरकार को उन इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना चाहिए क्योंकि इसको बढ़ाने से जो स्मॉल सेविंग फंड में जो इन्वेस्टर्स हैं वो बढ़ेंगे वो बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली बात है सरकार के अकाउंट में पैसा ज्यादा जाएगा लेकिन यहाँ पे सरकार डिले कर रही है ओवरऑल स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स में जो इंटरेस्ट रेट है उसको आर्टिफिशियली कम कर रही है इससे इन्वेस्टर्स को नुकसान हो रहा है तो बेसिकली सरकार की यहाँ पे बुराई की जा रही है सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर करें वीडियो को शेयर जरूर करिएगा दोस्तों